हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू केयर स्पाइडर प्लांट। हमें स्पाइडर प्लांट की केयर कैसे करनी है। स्पाइडर प्लांट एक इजी टू ग्रो प्लांट्स है। इसे केयर करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है क्योंकि इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन गर्मी के सीज़न में इसे हमें थोड़ी सी केयर करना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी गर्मी की वजह से ये प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसे शेडी एरिया में रखनी है जहाँ बिल्कुल धूप ना मिले लेकिन ब्राइट सनलाइट इसे मिलती रहे। ज़्यादा धूप इसे पसंद नहीं है लेकिन ब्राइट सनलाइट इसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो हमें इस जगह पर रखनी है। इसे पानी हमें कब देनी है। पानी जब इसकी सॉयल जो प्लांट्स है प्लांट की जो सॉयल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है इसकी सॉयल बिल्कुल ड्राई, इस तरह से बिल्कुल ड्राई वाली सॉयल देनी है। जब इसकी प्लांट्स की सॉयल बिल्कुल ड्राई हो जाए आप या तो फिर आप इसमें एक उंगली डाल के या लकड़ी डाल के देख सकते हो कि आप उसमें टच हो रही है या नहीं। अगर सॉयल उंगली में या लकड़ी में टच ना हो इसका मतलब इस प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है। तब आप इसे पानी दीजिए, लेकिन पानी इतना दीजिए कि नीचे गमले के नीचे जो होल होती है उसमें से पानी निकल आए। इतना पानी हमें डालनी है। इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। स्पाइडर प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद होती है। आप क्या करें, जो बर्मी कंपोस्ट है बर्मी कंपोस्ट को आप पानी में घोल के रख दीजिए एक दिन के लिए। उसके बाद आप इस प्लांट्स को जब धूप बिल्कुल ना रहे शाम के टाइम में आप प्लांट्स को पानी दीजिए। चाहे तो आप प्लेन पानी भी दे सकते हो, चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, लेकिन शाम के टाइम में। गर्मी के टाइम में, दिन के टाइम में फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो कभी मत दीजिए। इससे आपकी जड़ प्लांट्स की जड़ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे। हम इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। प्रोपोगेशन करने के लिए हमें इस प्लांट्स में से काफ़ी सारे प्लांट्स निकलते रहते हैं। निकलने के जो साइड्स में से प्लांट्स निकलते रहते हैं तो उसमें से आप इसे निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हो। या तो फिर ऐसे जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इसमें से निकलते रहते हैं, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगे तब आप इसे दूसरे छोटे वाले पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। काफ़ी गर्मी की वजह से थोड़ी सी प्लांट्स जो छोटे छोटे बेबी जो प्लांट्स है उसमें थोड़ी सी बर्न होनी शुरू हुई है। स्पाइडर प्लांट एक तो एयर प्योरीफाई प्लांट होती है। आप इसे अपने घर में बड़ी ही आसान तरीकों से, बड़ी ही आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। ये आपके घर की एयर प्योरीफाई करेंगे। बहुत सुंदर प्लांट्स होते हैं, लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। आप आराम से इसे ग्रो कर सकते हो। पानी की कमी से आपको पता कैसे चलता है, एक और भी कमी से पता चलता है। जब ये प्लांट्स जो लीव्स, ये तो नए लीव्स है, अगर पुराने लीव्स अगर इस तरह से क्लोज हो जाएंगे, इस तरह से बंद हो जाएंगे, तो पता चलेगा कि इसके जड़ में पानी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से इसके लीव्स जो है ऐसे सिकुड़ रहे हैं, इस तरह से बंद हो रहे हैं। लेकिन इसमें, इस प्लांट्स में पानी है जिसकी वजह से इसकी लिप्स जो है खुली खुली सी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर लगता है कि कुछ अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।